से एक बार हम पहुंच चुके हैं सिवान जंक्शन पर, और आपको बताए हैं कि आज लगभग 4 की संख्या में ट्रेन आएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं हम कि श्रमिक एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेन है, यह तीसरी ट्रेन है, फिर से एक बार सिवान जंक्शन पे पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सिवान जंक्शन से आपको एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब सिवान जंक्शन से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा करके और यहाँ आ गई है। कहाँ से आ रही है भाई साहब ये? तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो लोग हैं बैठे हुए हैं, जो बाहर में फंसे हुए थे लॉकडाउन में, इनको बिहार की सरकार या फिर अगर बिहार के लोग हैं, इन्हें बुला दिया गया है और ट्रेनों में बैठ करके ये लोग बाहर से आ रहे हैं। जाहिर तौर पे इनसे बातचीत भी होगी। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सूरत से ये ट्रेन आ रही है। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिवान के जंक्शन पर पहुंची हुई है, जो सूरत से चलकर तकरीबन इसमें 1200 के करीब इसमें वो फंसे हुए लोग हैं जो चाहते थे अपने बिहार घर वापसी के लिए, और वो ट्रेन यहाँ पे सिवान जंक्शन पे पहुँच चुकी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान जंक्शन से कि कैसे जो स्पेशल ट्रेन है श्रमिक एक्सप्रेस, वो सिवान जंक्शन पर पहुँच चुकी है और यहाँ पे तकरीबन 1200 यात्री इसमें सवार हैं जो सिवान जंक्शन पर उतरेंगे। इनकी थर्मल स्कैनिंग होंगी, जाँच होंगी, उसके बाद से इन्हें होम क्वारंटीन के लिए इनके संबंधित ब्लॉक को भेज दिया जाएगा। तो ये हम आपको तमाम तस्वीर आपको सिवान जंक्शन से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं एक एक करके। अब ट्रेनों का आना शुरू हो गया है, जो श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से वादा किया था कि बाहर में फंसे लोगों को बुलाया जाएगा, और उसको लेकर के आज सिवान में यह तीसरी ट्रेन है जो अब यहाँ पे जंक्शन पर पहुँच रही है। एक बार फिर से इस तस्वीर को हम दिखाएंगे कैसे, देखिए लोग इसमें बैठे हुए जो बाहर में फंसे हुए थे, एक लंबी इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बोगी है जो सूरत से चल करके गुजरात से चल कर यह ट्रेन आ रही है, और इसको लेकर के इनसे बातचीत भी होगी कि कैसे वहाँ से ये चले, कितनी इनको परेशानी हुई, कैसे क्या इनको, इन्हें लग रहा था कि हम लॉकडाउन में यहाँ पहुँच सकेंगे। तो इसको लेकर के ये तमाम तस्वीर हम आपको सिवान जंक्शन से दिखा रहे हैं कि सूरत से जो ट्रेन चली हुई थी यहाँ पे आज सिवान जंक्शन पर पहुँच गई है, और देखिए लोग अब अभिवादन भी कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी भी देखी जा रही है कि अब ये अपने गाँव की तरफ चल दिए हैं। जाहिर तौर पर बाहर में लोग फंसे हुए थे और उनको यहाँ पे यानी कि बिहार में बुलाने का काम किया गया है। जाहिर तौर पे सिवान के भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत होगी और तमाम तरह की यहाँ पे तैयारियाँ की जा चुकी है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि आखिरकार कैसे यहाँ पे और किस तरह से पहुँचे, क्या कुछ कठिनाई हुई। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर अब ट्रेन रुक रही है और इनसे हम बात करेंगे। आप बताओ बाबू कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरत से कब चले थे? 2:30 बजे चले थे। तो अब बताइए कि क्या किस तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस खाने को नहीं मिला। तो आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो यह लोग हैं और जो सूरत से चल करके ये ट्रेन आ रही है, अब यह नीचे उतरेंगे, इनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। तमाम तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से बातचीत भी होगी कि आखिरकार सूरत से जब चले तो क्या कुछ। कहाँ से आप आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? सूरत से। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आ रहे हैं। तो सूरत में क्या, कितने दिनों से थे सूरत में? लगभग हो गया 6 साल हो गया। अच्छा, तो लॉकडाउन में फंस चुके थे? लॉकडाउन में फंस चुके थे। जाना कहाँ है आपको? गोपालगंज जिला जाना है जी। क्या लग रहा था कि लॉकडाउन में आप लोगों को आपके गाँव बुला लिया जाएगा? लग तो नहीं रहा था, पर जब गाड़ी चल रही तो ऐसा लग रहा था कि हम अब लोग चले जाएंगे। तो अब कैसा महसूस आपको हो रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। तो जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे महिला जो कांस्टेबल है यहाँ पे शोभा कुमारी है, तुरंत यहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ तमाम जो भी बोतल हैं या जो चीज़ें हैं वहाँ पे ली जा रही हैं और सारी चीज़ों को इनको बताया जा रहा है। जाहिर तौर पे सब कुछ यहाँ पे इन्हें आप बताइए कहाँ जाना है आपको? सिवान में जाना है सर, बहड़िया जाना है। बहड़िया जी। और कब चले थे, कहाँ से ट्रेन आ रही? 2:30 बजे सूरत से चले हैं। अच्छा, अभी यहाँ कितने घंटे लगभग लगे हैं सिवान आने में? कल 8:30 बजे रात को खुली है, अभी यहाँ सिवान पहुँची रात में जी। कितने लोग होंगे सिवान के? सिवान का लगभग हमारे अंदाज से तो यहाँ पे 50% सिवान के हैं। 50% जी लोग हैं जी। क्या करते थे आप वहाँ? वही कोई एम्ब्रॉयडरी कोई डायमंड इसमें काम करते थे। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? अब तो घर आप वापसी? अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फंसे थे तो फिर क्या महसूस कर रहे थे? फंसे थे क्या, थोड़ा टेंशन था आप कितना दिन में फ्री होंगे यहाँ से, कितना दिन निकलेंगे घर पे, वहाँ तो काम धंधा सब बंद था जी।
तो बिना पूरा दिन बैठ बैठ के बोर लगता था, क्या करेंगे बैठ कर। देखिए शोभा कुमारी है जो महिला कांस्टेबल हैं, ये खुद ला करके अपने हाथों से बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और उन्हें पानी उपलब्ध करा रही है। जाहिर तौर पर यह काम करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मानवता नाम की चीज़ जो है वो दिखाना चाहिए और वही यहाँ पे किया जा रहा है। इन लोगों की पानी की ज़रूरत थी और यहाँ पे देने का काम किया जा रहा है। ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्था अब जो है लोग आ रहे हैं, आप लोग किस तरह से इन्हें मदद कर रहे हैं? इनको जो है यहाँ ले आने के बाद इनको क्रमबद्ध तरीके से खड़ा कराया जा रहा है तथा सैनिटाइज करा जा रहा है। पहले तो गाड़ी को सैनिटाइज करा जा रहा है, फिर इनके सामान को ले जाने के लिए ठेला वगैरह की व्यवस्था की गई है और इनको लंच बॉक्स भी साथ में दिया जा रहा है। अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है और इन्हें बताया जा रहा है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी रखना होगा। ये तो है, यहाँ पर सर्किल बनाया गया है, उसी में इनको इनका पालन करना है, इसी में इनको खड़ा होना है। अच्छा। और घर पर जाकर कैसे रहना ये भी इनको बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। जी जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश सिंह, सब इंस्पेक्टर RPF सिवान। चलिए, सब इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश सिंह, बखूबी अच्छे तरीकों से अपनी बातों को रखा। देखिए यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे ट्रेन आ रही है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो प्रशासन है या सरकार है वो नहीं चाहती है कि कोरोना के चपेटे में लोग आएँ और कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए इस तरह का अच्छा और सराहनीय काम किया जा रहा है। ये तमाम आप देख सकते हैं, जो भी जितने डब्बे हैं ये सभी डब्बे को यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सूरत से आ रहे हैं। सूरत से आ रहे हैं, क्या करते थे सूरत में? सूरत में हीरा कारोबार करते हैं। अच्छे, तो रहने वाले कहाँ के आप लोग? बिहार का छपरा, बिहार के छपरा जिला में। तो आप लोगों को लगता था कि लॉकडाउन में आप लोग फंस चुके थे? हम अपने बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, से टूट कुछ मदद नहीं कर रहा था। हाँ, कोई सरकार भी वहाँ कुछ मदद नहीं कर रहा। बिहार सरकार ने तो मदद की है, कहाँ बिहार सरकार मदद की, अपना पैसा से टिकट लगा कर आ रहे हैं हम लोग। ट्रेन में खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था। टिकट का पैसा दिए? हाँ, पैसा दिए। कितना पैसा दिए? जितना टिकट का दाम है उतना, 750 रुपये दिए। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा था किराया हम देंगे, हम लोग को कहा किराया मुहैया कर। आप बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? टिकट का देख लीजिए, टिकट है हमारे पास जिसका 685 रुपये दाम है जी, और 750 रुपये इसका लिया गया है, 50 रुपये बढ़ा कर लिया गया है। कौन लिया है? वहाँ का जो जो टिकट बनवा रहा था ना, वहाँ कोई एजेंसी था, उन्हीं को दिए थे हम लोग। बिहार सरकार कुछ किराया वराया नहीं दे रही है? किराया अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन ये टिकट हम लोग खुद अपना से, और रास्ते में एक बोतल पानी मिला है और एक ब्रेड, उसी से हम लोग यहाँ परेशानी हुई। सबको नहीं मिला। जी आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए, अपनी बातों को रखिए। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कुत्ता को बिस्किट डालते हैं ना, वैसे बाहर से रोक दिया जा रहा है, खा लो, वहाँ पे रोक दिया जा रहा है, किसी को चार झगड़ा जाता है, झगड़ा झंझट हो जा रहा है सर। कुत्ता जैसा डाल रहा था, ऐसा फेंक रहा था, रोक दिया जा रहा है वहाँ से लेने में। हम लोगों को समझ जाइए कि 72 आदमियों की कितना दिक्कत हो, परेशानी आप लोगों को हुई होगी, परेशानी रास्ते में तो होगी सर। क्या होगा, हम लोग खाना नहीं लाते कि 30 घंटे का सफर सर एक बोतल में कैसे संभव है? किराया लिया ना, यही है सबका, वही 750 रुपया है, 750 लगा है, सबका किराया लगा, सबका लगा है सर, बिना किराया का। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? किराया आप खुद दिए हैं या सरकार? हम खुद किराया भर के आ रहे हैं अपना, सरकार नहीं दे रही है। जी, हम अपना खुद किराया भर के आ रहे हैं। कुछ परेशानी भी हुई आने में? परेशानी है, खाने पीने में पानी तक नहीं मिलता है हम लोग को पीने के लिए। अच्छा, स्टेशन पर उतरो पानी के लिए तो मना कर देता है, अंदर ही रहो, उतरना नहीं है, तो पानी दो ना भाई, नहीं उतरते हैं, लेकिन पानी भी नहीं दे रहे हैं लोग जो रूम से लेके आए अपना। सरकार तो बोल रही है कि हम किराया, बिहार सरकार कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग, हम खुद किराया भर के आ रहे हैं, सरकार कहाँ से किराया दे रही है? कितना किराया भर रहे हैं? हम लोग 783 रुपये भर के आए हैं किराया, 783 रुपये। तो यही आलम है, आप देख सकते हैं बिहार सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि जो भी श्रमिक बाहर से आएंगे उन्हें किराया दिया जाएगा, 500 रुपये देने की भी घोषणा थी, लेकिन बिल्कुल जो कुछ सच्चाई है आपने सुना, जो सूरत से लोग आ रहे हैं, जो श्रमिक हैं, जो लॉकडाउन में बेचारे फंसे हुए थे, उम्मीदें जगी इनकी कि बिहार सरकार ने यह वादा किया है मुझे घर बुलाएगी, घर तो बुला लिया लेकिन किराया ये बेचारे अपने पॉकेट से दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पर कुछ सोचना चाहिए बिहार की सरकार को। आप बताइए, आइए आइए आगे आ जाइए, आइए ना आगे आइए। देखिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम लोगों से चाहते हैं कि क्या कुछ परेशानी हो रही है और इनकी परेशानी हम उन तक सरकार तक पहुंचाने का। ये बताइए आप लोग कब चली वहां से? 2 बजे रात को, 2 बजे रात को हमको गाड़ी मिला। कहां से? सूरत स्टेशन। अच्छा, तो कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपके परिवार के लोग कितने हैं? 3 आदमी हैं। 3 आदमी हैं। हाँ,
तो किराया आप लोग खुद दिए या फिर बिहार सरकार के द्वारा? नहीं, हम लोग किराया देकर आए थे। और वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था खाने पीने की? कुछ नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं। लॉकडाउन में फंसी थी तो आपको लग रहा था कि हम लोग घर वापस फिर पहुँच जाएंगे? नहीं, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग अब घर पहुँचेंगे, लेकिन बहुत दिक्कत से हम लोग आ रहे हैं। तो अब क्या चाहती हैं, बिहार सरकार से कुछ चाहती हैं आप? हाँ, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से कुछ चाहती? कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग ये थी बिहार का। बिहार में कहाँ के? बसंतपुर। बसंतपुर रहने वाली। हाँ। तो कुछ चाहती हैं बिहार की सरकार से? हाँ, बिहार की सरकार से चाहती हूँ कि कहाँ रखते हो, कहाँ। आप अपना नाम बताइए। ओहिला देवी। तो आपने देखा कि कई तरह की महिलाओं से भी बातचीत हुई, इनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जो किराया है वो सरकार नहीं दे पा रही है। और ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके सभी लोगों को उतारा जा रहा है और फिर इनकी स्कैनिंग कराने के लिए आप देख सकते हैं ये इनके घर भेजा जाएगा, वहाँ होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है, बिल्कुल यहाँ पे सोशल डिस्टेंस बनाते हुए। और उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए कि स्कैनिंग की जा रही है, आप तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे स्कैनिंग की जा रही है, एक एक करके जो लोग आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे और भी हैं, आप देख सकते हैं लंबी एक लाइन लगी हुई है, और लंबी लाइन लगी हुई है उसके बाद सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के और इस तरह काम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे बात। कहाँ से आप आ रही हैं बताइए? सूरत। सूरत से। तो आने में कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। और टिकट का, टिकट का पैसा आप लोग दिए या सरकार, बिहार सरकार दी है? टिकट आप लोग बनवाई है या बिहार सरकार ने पैसा दिया है? तो यही आलम है, देखिए कई लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी थर्मल स्कैनिंग की शुरुआत यहाँ पे अब की जा रही है। और यहाँ पे कुछ जो स्कैनिंग चल रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम साफ दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे स्कैनिंग का काम चल रहा है। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे स्कैनिंग का काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक एक करके जब सूरत से या फिर बाहर से जो लोग भी उतर रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद से जैसा यहाँ से होगा इन्हें होम क्वारंटीन या फिर इनके ब्लॉक भेजे जाएंगे। सर ये बताइए कि जो लोग उतर रहे हैं किस तरह से आप लोग स्कैनिंग कर रहे हैं? अब यहाँ इन लोग का स्कैनिंग कर ले रहे हैं, इनका सिम्टम पूछ ले रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार जुकाम अगर ऐसा कोई इसमें इनमें दिख रहा है लक्षण तो ऐसा तो कोई नहीं आया है। उसके बाद ही लोग जाएंगे अपने ब्लॉक, उसके बाद अपने ब्लॉक में होम क्वारंटाइन रहेंगे, जहां आदेश हो वहां रहेंगे ये लोग। तो अभी तक जो लक्षण निकल रहे हैं कुछ उस तरह से आपको लग रहा है कुछ संक्रमित? नहीं, एक भी नहीं आया है, एक भी कोई ऐसा नहीं आया जो पॉजिटिव में हो, ऐसा कोई नहीं है। आखिर जो स्कैनिंग आप कर रहे हैं इसमें कैसे पता चलेगा कि ये संक्रमित हैं या फिर? इसमें जो है टेम्परेचर हम देख रहे हैं, टेम्परेचर ये बता देता है। दूसरा चीज़ है कि हम पूछते हैं उनसे कि आपको कोई सर्दी खांसी बुखार जुकाम गला में इन्फेक्शन कोई भी आपको दिक्कत हो बताएं, अगर वो बता रहे हैं तो अगर इनकेस अगर उनमें हो तो उसके लिए आगे का हम लोग रास्ता करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये यहाँ पे जो स्कैनिंग करने वाली जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनसे भी बातचीत हुई। तो ठीक इसी तरह से हम आपको और जगहों से दिखाएंगे या फिर जंक्शन हो या फिर कुछ और जगह हो कि कोरोना को लेकर के जिला प्रशासन कितनी सजग है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जब सिवान जंक्शन पे उतर रहे हैं तो क्या कुछ तैयारियां रेलवे विभाग या फिर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। सिवान जंक्शन से हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।